चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज 122 देशों तक पहुंच गया है। इसके संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 4,600 के पार हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। दुनिया भर की सरकारें कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने पर ध्यान दे रही हैं। जानकारों का कहना है कि इसके संक्रमण को फैलने से रोककर ही इसे काबू में किया जा सकता है। इसके लक्षणों को पहचान कर ही कोरोना वायरस की बेहतर तरीके से रोकथाम की जा सकती है। इसी से संबंधित हमारे 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल के विशेष संवाददाता अमित विक्रम ने डॉक्टर अविनेश कुमार से, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे विशेष मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुँचाने का काम किया है। आइए नजर डालते हैं इस विशेष खबर पर। नमस्कार, 24 आवर टुडे न्यूज के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोरोना वायरस जो महामारी का रूप ले चुकी है पूरे विश्व में, आज अमेरिका, इटली, ईरान, चीन जैसे देश कोरोना वायरस से बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पीड़ित हैं। भारत में भी ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। सरकार के द्वारा इसको लेकर काफ़ी सावधानी बरती जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको होम्योपैथी में कोरोना का कैसा इलाज है और होम्योपैथी में क्या कोरोना जैसे वायरस का इलाज है, इसी पे चर्चा करने के लिए आज हम आपके बीच में मुजफ्फरपुर के नामी होम्योपैथी डॉक्टर अवनीश कुमार जो हमारे सामने बैठे हुए। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, लगातार कोरोना, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है, सिर्फ उसके लिए सावधानी की ज़रूरत होती है, प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। और होम्योपैथी में है कि बेटर क्योर इज बेटर देन ट्रीटमेंट इज बेटर देन। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि कोरोना बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारा पहला प्रश्न है कि ये कोरोना वायरस क्या चीज़ है, जरा आप हमारे दर्शकों को बताने का काम करेंगे। देखिए, अभी तो हमारे इंडिया में अभी इसका रियल कॉज अभी तक पता नहीं चला। ये एक्चुअली चाइना के वुहान से ये इसका शुरू हुआ है बीमारी, इसका वायरस वहाँ से आया है। अब एक्चुअली वहाँ क्या परिस्थिति बनी कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ। अपने यहाँ इंडिया में देखें तो अभी तक इस तरह का कोई ऐसा केसेस डिटेक्ट नहीं हो रहा है। आए दिन टीवी पर देखा जा रहा है कि इक्का दुक्का कुछ पेशेंट्स ऐसा दिख मैंने मिला है। डॉक्टर साहब, कोरोना जो वायरस जो है, जो एक महामारी का रूप ले चुका है, राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए तरह तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है, आपके होम्योपैथी में इसके बारे में क्या कहना है? अभी तक मान लीजिए हम लोग के इंडिया में इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार द्वारा प्रिवेंशन की दिशा में कुछ कार्य किए जा रहे हैं जो आवश्यक है, जो जिससे बचा जा सकता है। तो बचने के लिए जैसे कुछ मेडिसिन है, कुछ मैनेजमेंट है, जैसे मैनेजमेंट में है कि साफ सफाई का ध्यान रखना है, सर्दी खांसी से कोशिश करें कि हम बचें। अगर मान लीजिए किसी को सर्दी है तो उससे कुछ 1-2 मीटर की दूरी बना करके रखें, जिससे उसका छींकने पर, खांसने पर उसका जो वायरस है जो स्प्रेड करता है थ्रू द एयर दूसरे पर्सन में अफेक्ट करता है, तो उससे बचने के लिए थोड़ा दूरी बना के रखें, मास्क लगा कर रखें हर चीज़ को। अब जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये इन्फेक्शन फैलता है तो उसके लिए हाथ की साफ सफाई है, ज़्यादातर हाथ साफ रखें, जल्दी किसी चीज़ को छुए नहीं, टच नहीं करें बाहरी चीज़ को, तो इस तरह से हम एक मैनेजमेंट के तरह इससे बच सकते हैं। दूसरा, होम्योपैथिक में भी कुछ दवाइयां हैं जिससे डिस्टर्ब किया जा सकता है इम्यून सिस्टम को और उसके प्रति, कोरोना वायरस के प्रति जो रेसिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है, जैसे उसके लिए आर्सेनिक है, जेलसीमियम है, इन्फ्लुएंजियम है, इस तरह की कुछ दवाएँ हैं जो प्रिवेंशन के तौर पर काम करती हैं। और ये मेडिसिन क्यूरेटिव भी होती है। अगर मान लीजिए कोई कोरोना से इफेक्टेड कोई पर्सन है, कोई पेशेंट्स है, तो इस तरह की इनमें से कुछ दवाइयां हैं जिसका सिम्टम के आधार पर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो बीमारी ठीक भी हो जाती है। डॉक्टर साहब, कोरोना और स्वाइन फ्लू में क्या अंतर है? देखिए, स्वाइन फ्लू भी एक वायरल डिजीज है, लेकिन कोरोना और स्वाइन फ्लू दोनों डिफरेंट चीज़ है।
स्वाइन फ्लू का तो अभी तक हमारे लैब में टेस्टिंग हो चुका है, कुछ उसके कॉजेज आ गए हैं, लेकिन ये कोरोना जो है अभी दूसरे देशों से आया है, इसके विषय में अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। WHO के द्वारा कुछ एडवाइजरी गाइड या गाइडलाइन जारी की गई है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। दर्शक, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं, जो प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए कोरोना से बचने के लिए। कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले तो आप मास्क का प्रयोग करें, कोई पेशेंट्स है सर्दी खांसी का पेशेंट है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, हाथ की साफ सफाई करें, मास्क लगा करके रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। होम्योपैथिक में कुछ दवाइयां है, आर्सेनिक है, जेलसीमियम है, इन्फ्लुएंजन है, ये सब डॉक्टरों के सलाह लेकर के उसको लेकर के आप उससे उसका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, जो अभी राज्य सरकार ने जो टेस्टिंग की जो कोरोना की जो यूनिट्स जो मतलब रखा है, जहाँ कोरोना की जांच हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जो जांच हो रही है वो सही रिपोर्ट दे रही है कोरोना के बारे में? अभी तो कहा नहीं जा सकता, चूँकि हमको इसके विषय में अभी कोई विशेष जानकारी नहीं है और इस पर अभी बहुत कुछ काम हुआ नहीं। अभी रिजल्ट्स बहुत आने बाकी हैं, जब जांच होगा कुछ रिजल्ट्स आएगा उस दिशा में कुछ कार्य होगी तभी कुछ बताया जा सकता है कि कितना कुछ अफवाह भी डॉक्टर साहब लोगों के लिए निश्चित जा रहा है, तो अफवाहों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से इसमें अफवाह ही ज़्यादा काम कर रहा है, लोग इतने पैनिक हो गए हैं कि अंदर से भयभीत हो गए हैं और जमीनी स्तर पर ऐसी कोई बात नहीं है। साधारण खांसी और सर्दी को भी वो कोरोना समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यही धोखे में लोग रह रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं। और वुहान में जो हुआ उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना से ही सारे लोग मरे, सर्दी खांसी में कुछ सीरियस गंभीर सर्दी खांसी होता है उससे नॉर्मल डेथ भी होते हैं। नहीं, अभी जो मौसम में जो अभी ठंडी और गर्मी का जो असर चल रहा है, अभी दो दिन पहले बहुत अच्छी बारिश हुई, कल तक बारिश हुई है और अचानक आज धूप निकल आई, तो कहीं ना कहीं लोग सर्दी खांसी से पीड़ित है लेकिन उसको कोरोना का रूप दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? वेदर का फ्लक्चुएशन की वजह से भी कुछ डिजीजेज होते हैं, जैसे आपको निमोनिक अटैक होता है, निमोनिक अटैक एक गंभीर बीमारी है, उससे डेथ भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना से ही हो, अभी कोरोना के प्रति लोग इतना पैनिक हो गया है कि जनरल डिजीज से भी डेथ होता है, जनरल आजमा का पेशेंट अगर डेथ कर गया तो कोरोना का शिकार हो गया, ऐसा मैंने रिव्यू में रखा था। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी हमें जानकारी दी है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कोरोना कोई गंभीर नहीं, ये समस्या नहीं है, हम प्रिकॉशन कर ये कोरोना से बच सकते हैं, हमें सावधानी रखनी होगी, साफ सफाई रखनी होगी और डरने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहों से बचने की ज़रूरत है, कोरोना का इलाज है, होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो